पत्रकार बंधु प्रिंट मीडिया आप जाने जाते हैं, और आज बिहार में तीसरी नज़र तीसरी खबर के रूप में जो महागठबंधन के नेता हैं और ख़ास करके राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार की जनता बिहार जलाओ दल के नाम से जानती है, वो बिहार जलाओ दल जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के घर से निकलते हैं और बयान क्या देते हैं कि मैं चमार नहीं हूं। यह शब्द बिहार के लाखों लाख अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर वर्ग के लोगों को अपमान किया है। इस अपमान को लेकर के ये बिहार के कमजोर और अनुसूचित जाति खास करके रविदास समाज के लोग मर्माहित है। मैं उसी परिवार का बेटा और भाई होने के नाते आप लोगों के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी जी के राजकुमार पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का अब तक अधिकारी कोई बयान नहीं आया, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। बिहार के रविदासों के लिए, बिहार के अनुसूचित जाति के लिए एक अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना इनकी आदतन बन गई है। पाप करेंगे राष्ट्रीय जनता दल का नेता, पाप करेंगे तेजस्वी जी, और धोएगा बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोग। अब वह दीन नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कमजोर समाज के लोगों को, जो चमार हो, दुसाध हो, डोम हो, धोबी हो, मुसहर हो, पासी हो, खटिक हो, खरवार हो, जिसको सपना दिखाया था दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, उस सपना को साकार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक तरफ बिहार में विपक्ष के नेता तो छाती पीट के कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा होने का गौरव महसूस करता हूं, उसी तरह चमार परिवार में जन्मा एक जनक चमार भारतीय जनता पार्टी के कट्टरता होने के नाते मैं भी अपने जाति और समाज पे गौरव महसूस करता हूं। और उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी, आपने अब तक खंडन क्यों नहीं किया इस तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके एक खास जाति अनुसूचित जाति को अपमान करना आपका नियति बन गई। ये बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति रविदास भाई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब वो दिन निकल गया, 90 दशक नहीं चल रहा है, देश और प्रदेश में सुशासन की सरकारें चल रही है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जिस तरह से बिहार प्रदेश के सभी कमजोर तबके के लोग उनका विकास हो रहा है, उससे घबराहट महागठबंधन के नेताओं में दिख रहा है, जिसे अनर्गल खास तबके के खास जातियों को इन्होंने नाम लेकर के अपमान करने का काम किया है। मैं बहुत पूरे तरह से उनकी बातों से असहमत हूँ, अपमानित महसूस कर रहा हूँ। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आप निश्चित रूप से बिहार के रविदास समाज से आपको क्षमा मांगना चाहिए। धन्यवाद।